ककड़ी दिखने में भी बड़ी है, भारी भी है, और यहाँ भरमार हो रखी है आजकल ककड़ियों की, मज़ा आ गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। दोस्तों, दिन की शुरुआत हो रही है आजकल, यहाँ फिर से मॉनसून के टाइम पे डेली बारिश हो रही थी हमेशा के जैसे, और अभी थोड़ा सा मौसम खुला है, पीछे मौसम खुलने को हो रहा है, पूरा अभी नहीं खुला हुआ है, लेकिन ये है कि सुबह तक काफ़ी बारिश लगी हुई थी और अभी थोड़ा सा मौसम साफ हो रखा है। मैं हूँ आज घर पे अकेला, मम्मी थोड़ा इधर उधर जा रखी है काम से, तो मैं घर पे अकेला हूँ। तो देखो कितना अस्त व्यस्त हो रखा है, मैंने थोड़ा यहाँ पे काम किया था तो पूरा सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, ये डॉगी भी कैसे सो रखा है यहाँ पे। तो अभी पहले मैं सफाई करता हूँ और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, पहले सफाई कर लेते हैं जो ये चौक इतना अस्त व्यस्त हो रखा है। बारिश आने के बाद सारी मिट्टी उखड़ जाती है और फिर थोड़ा अच्छा सा फील नहीं होता है। तो एक काम करना है मुझे, पहले यहाँ सफाई करनी है और फिर नाश्ता करेंगे। खैर, मुझे भूख भी लगने लगी है, लेकिन पहले ही काम ख़त्म करेंगे। अभी दिन का टाइम हो गया है और मैं हूँ अभी घर पे, और मैं ये बताने वाला था कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी हो तो बहुत सारी ककड़ियाँ थी, बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि ककड़ियाँ हैं। तो यहाँ बहुत सारी सीजन की ककड़ी होती है, सीज़न अब शुरू होगा, अभी सीज़न नहीं आया है तो किसी की अभी ककड़ी नहीं लगी है। हमारा घर का लोकेशन थोड़ा ऐसा है कि मैंने बताया सामने से पूरा खुला इलाका है, यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है और हवाएं भी चलती है, इस वजह से यहाँ का मौसम बड़ा प्यारा है, जो भी चीज़ लगाओ बहुत जल्दी फल दे देती है। तो इस वजह से हमारी भयंकर ककड़ी हो रखी है, अभी भी बहुत ज़्यादा ककड़ी हो रखी है। देखो हमारे घर की लोकेशन कुछ ऐसी है, यहाँ से धूप आती है और ये पूरा सामने का इलाका हमारा खुला हुआ है, पैक एरिया नहीं है, और यहाँ नीचे पूरा खुला है। भले यहाँ लोगों के पेड़ हैं, इसकी वजह से थोड़ा यहाँ कम है, प्रॉब्लम होती है, जंगली जानवर आते हैं, बंदर वगैरह, लेकिन ये है कि धूप पूरी रहती है और जो हवा आती है वो डायरेक्ट आती है, जैसे अभी ये है तो यहाँ पे पानी भी मिल जाता है, इसको प्रॉपर धूप भी मिल जाती है, इस वजह से हमारे जो जो भी हम बोते हैं बहुत बढ़िया होता है। कागजी लगाओ तो कागजी बढ़िया होती है, ककड़ी लगाओ तो ककड़ी बढ़िया होती है। तो इसी वजह से जो हम यहाँ अकेली जगह पे घर बना रखा है, यही उसकी जगह थी कि हम यहाँ अकेली जगह पे आए, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फियर जो वातावरण है वो ऐसी है कि हमें काफ़ी तरीके से फ़ायदा मिलता है, घास से लेके जंगल से लेके पानी सबका, इस वजह से हम यहाँ पे रहते हैं। तो वरना गांव में भी ज़मीन है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन यहाँ हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो यहाँ हमें अच्छा भी लगता है, सब कुछ साग सब्जी अपनी होती है। ककड़ी तो लगी है और यहाँ अब भिंडी भी लगना स्टार्ट हो गई है, मतलब सब्जियों की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ये देखो सारी जगह भिंडी लगी होंगी, मिर्च इधर उधर, और मिर्च भी साल भर के लिए हो जाएगी। ये देखो कुछ कुछ पौधे लगा रखे हैं और इन पे पूरी भिंडी हो जाती है। यहाँ पे इस बैंगन ने तो इस बार इतने बैंगन दिए कि हम इसको बता भी नहीं सकते कितने बैंगन हैं इस पे, बहुत सब्जी खाई है हमने इससे, तो हमें इसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है, प्रॉपर लाइट, सनलाइट का और एक पानी का। लेकिन हाँ, ये थोड़ा हमारे यहाँ का ये है कि गेहूँ धान वगैरह कम होती है, लेकिन जो सीज़न की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे घर के सामने के नज़ारे कुछ इतने प्यारे से होते हैं, देखो क्या सुंदर लग रहा है पहाड़ों पे ये बादल, और मुझे ये बादल हमेशा रुई के जैसे लगते हैं। बहुत मेहनत लगती है, पहले तो बीज बोने से लेके उसकी देख रेख करना, और लास्ट लास्ट तक तो जब बंदर कुछ चीज़ को खा देते हैं तो बहुत बुरा लगता है, कोई जंगली जानवर। परसों ही यहाँ पे एक सोला रखा था, सोला एक कांटेदार, उसका असली नाम क्या है उसको तो नहीं जानता मैं, यहाँ पे आया था। मैं रात को बोलूँ कि अचानक अजीब सी आवाज़ क्या आ रही है, तो फिर देखा कि वो है, मैं बाहर आया तो तब तो भाग लिया। तो ऐसे जानवर घर के सामने पे आते रहते हैं, आजकल तो यहाँ बाघ का कहर भी है, बाघ ने आतंक मचा रखा है, एक बकरी बीमारी, एक गाय बीमार है बाघ ने। दोस्तों, अभी दिन का समय है और हमारा खाना हो गया बढ़िया से, आज हमने
थिचवनी भात बनाया था, आलू की थिचवनी और भात, मज़ा आ गया। और अगर आपने आज की वीडियो में गौर किया होगा कि थोड़ा सा मैं दबा के बात कर रहा हूँ, धीमे से बात कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे मुंह में हो गए हैं छाले, पता नहीं क्यों हुए। डेली मैं ककड़ी खा रहा हूँ लेकिन मेरे मुंह में बहुत सारे छाले उरक हैं, तो जैसे मैं बात करता हूँ वैसे करने के लिए हो नहीं रहा है। तो अभी भी मुंह में एक साइड छाले उरक हैं, यहाँ भी छाले और यहाँ भी छाले, तो बोलने टाइम थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। आई होप आपको भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। तो अभी बात कुछ ऐसी है कि दिन का टाइम हो रहा है, खाना खाया है और अब मेरा मन हो रहा है ककड़ी खाने का। ककड़ी ठंडी भी होती है तो अभी ककड़ी खाएंगे, और पता नहीं क्यों अभी मेरा मन सामने वाली धार पे ककड़ी खाने का मन कर रहा है। तो चलो अभी फ्रेश ककड़ी निकालते हैं और अभी चलते हैं ककड़ी खाने। अभी मस्त सी हवा चलने लगी है और मैंने निकाली है एक गोलू वाली ककड़ी। देखो कुछ ककड़ियाँ अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी गोल हो जाती हैं, इनको खाने में अलग ही मज़ा है। तो मैंने ये निकाली है, इसको खाएंगे। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. दोस्तों अभी मज़ा आ गया, मैं अभी धार में बैठा हूँ, यहाँ मस्त हवाएं चल रही हैं और मैंने साथ में ककड़ी खाई, मज़ा आ गया ककड़ी खा के। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट क्या आपको अच्छा लगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।